हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्यवंशी के थिएट्रिकल रिलीज डेट के बारे में एंड होपफुली दिस इज द लास्ट वीडियो, क्योंकि हमने कई वीडियोस बनाए हैं और बनाए हैं बिकॉज बार बार डेट्स चेंज होती है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं सूर्यवंशी सिनेमाज में 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों पहले रिलायंस एंटरटेनमेंट ने डेट बदल डाली, यानी ये ऐलान किया कि 2 अप्रैल को तो हम रिलीज नहीं करेंगे। अब नई रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है और वो है 30 अप्रैल 2021 से अब ये फिल्म आप सिनेमाघरों में देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत सोच विचार गया है इस डिसीजन पर आने के लिए, और आज क्योंकि रोहित शेट्टी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, क्योंकि आज उनकी सालगिरह है 14 मार्च, इसलिए आज इसकी रिलीज डेट, सूर्यवंशी की रिलीज डेट अनाउंस की है। अब 30 अप्रैल वाली डेट कैसे चुनी? आप कहेंगे 30 अप्रैल यानी रमजान के पीरियड में इतनी बड़ी फिल्म आएगी? जी हाँ, रमजान के पीरियड में ही आएगी, क्योंकि ईद पर ऑलरेडी राधे, सलमान खान की राधे अनाउंस हो चुकी है एंड उसके 3 हफ्ते बाद यानी 13 मई के 3 हफ्ते बाद 4 जून को रिलायंस एंटरटेनमेंट की ही 83 रिलीज होने वाली है, और इस वजह से दे आर नॉट रियली बॉदर्ड कि रमजान के पीक में वो आएंगे, क्योंकि बड़ी फिल्म है, क्योंकि लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसलिए रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी, करण जौहर जो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, सबकी ये थिंकिंग है कि दे विल बी एबल टू फेस द ऑपोजिशन ऑफ रमजान। आप तो जानते हैं रमजान में ऐसा माना जाता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कम होते हैं बिकॉज डिवाउट मुस्लिम्स सिनेमाघरों में नहीं जाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, लॉकडाउन ऑलमोस्ट 1 साल रहा एंड इस फियर से बड़ी फिल्मों को पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि रिलायंस एंटरटेनमेंट और रोहित शेट्टी डिसाइडेड थे कि इस फिल्म को सिनेमाघर में ही रिलीज होनी चाहिए, इसलिए वो रुके रहे एंड फाइनली अब 30 अप्रैल को आएंगे। एक लॉजिक 30 अप्रैल के आने का ये भी है कि अब तक करीब 2.5 करोड़ इंडियंस को वैक्सीनेशन, कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन लग चुका है, और उनका ये सोचना है कि आने वाले 40-45 डेज में लगभग 15-16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका होगा एंड देयरफॉर द माइंडसेट ऑफ द ऑडियंस विल हैव चेंज्ड। जैसे जैसे लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस टू मिंगल विद द वर्ल्ड, टू गो एट पब्लिक प्लेसेस, ये सब बढ़ रहा है, और इस वजह से उन्होंने 30 अप्रैल की डेट चुनी। एक्चुअली 2 अप्रैल को रिलीज जो होने वाली थी उसको कैंसिल करने की भी वजह कोरोना वायरस ही था, क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद जैसे शहरों में वापस आउटब्रेक की आशंका थी, इसलिए एक्चुअली आशंका नहीं थी, आउटब्रेक हो चुका था, इसलिए भी प्रोड्यूसर्स ने यानी रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड रोहित शेट्टी ने मिलकर यह फैसला किया कि 2 अप्रैल को नहीं आना चाहिए। उन्होंने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात की और उनका भी ये सोचना था कि शायद मुंबई, नवी मुंबई वगैरह में भी कोरोना वायरस फैल सकता है, शायद लॉकडाउन हो सकता है, शायद रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन हो सकता है, इस वजह से उन्होंने इस फिल्म के रिलीज को पोस्टपोन कर दिया। अब इफ कंडीशंस डू नॉट चेंज, वो तो हर फिल्म के रिलीज के साथ है, इफ कंडीशंस डू नॉट चेंज, गॉड फॉरबिड अगर कोरोना वायरस का आउटब्रेक वापस दूसरे शहरों में आता है तो फिर तो ऑफकोर्स द रिलीज नोबडी कैन से, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो 30 अप्रैल की डेट फाइनल है। अब ट्रेड में सिर्फ एक बात पर स्पेक्यूलेशन चल रहा है, गॉड फॉरबिड अगर 30 अप्रैल के करीब वापस केसेस बहुत बढ़ने लगे, ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और भी ज्यादा बढ़ने लगे, एंड लॉकडाउन कुछ शहरों में या कुछ प्रांतों में अनाउंस हो गया या अनाउंस होने की आशंका है, तो फिर क्या होगा? क्या रिलायंस एंटरटेनमेंट सूर्यवंशी को पोस्टपोन करके जुलाई में रिलीज करेगी या फिर फाइनली नेटफ्लिक्स पर ही इस फिल्म का प्रीमियर होगा? ऑफ कोर्स नोबडी नोज व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन, लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी 30 अप्रैल को ही फिल्म आएगी, अदर कंडीशंस रिमेनिंग इक्वल। कहने का मतलब है कुछ भी नई बात नहीं हो तो 30 अप्रैल को आप अक्षय कुमार, कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघर में यानी बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो जिसमें हमने फाइनल रिलीज डेट ऑफ सूर्यवंशी अनाउंस की है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा एंड हमें ये भी बताइएगा ये निर्णय रिलायंस एंटरटेनमेंट और रोहित शेट्टी का सही है
या फिर क्यों, आप सोचिए। सही है तो थम्स अप दीजिए, और आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए तो फिर वो भी हमें बताइए क्या होना चाहिए था। जाते जाते एक और न्यूज, सिद्धांत चतुर्वेदी, जी हाँ, आपके चहेते हीरो सिद्धांत चतुर्वेदी को COVID-19 हो गया है। He has tested positive for coronavirus. And जैसा मैं हमेशा कहता हूं, stay safe, stay relevant, and yes, stay tuned.